कुल 42 दिन बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 3 क्या काम करेगा? चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपना काम शुरू करेगा। ये रोवर इसरो में बैठे वैज्ञानिकों को चांद की सतह से जुड़ी जानकारियां भेजेगा। रोवर चांद की सतह की बनावट से लेकर पानी की मौजूदगी के बारे में बताएगा। अंतरिक्षी हमेशा से लोगों को आकर्षित करता है। वैसे भी चंद्रयान 3 को देश गर्व से जोड़कर देखा जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन के 3 अहम हिस्से हैं, प्रपल्शन, लैंडर और रोवर। इसका कुल खर्च 600 करोड़ रुपए ज्यादा आया है। इस मिशन में इसरो के अलग अलग विभाग के सैकड़ों वैज्ञानिक जुटे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि लॉन्चिंग के ठीक 16 मिनट बाद रॉकेट चंद्रयान 3 को करीब 179 किलोमीटर ऊपर इजेक्ट कर देगा। इसके बाद अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में 5-6 बार घूमेगा, फिर धीरे धीरे इसे चांद की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद प्रपल्शन मॉड्यूल लैंडर 7 तेज गति से चांद की कक्षा में जाने की 1 महीने लंबी यात्रा शुरू कर देगा। इसके बाद यह चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा। चंद्रयान 3 खुद से करीब 384 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल जाएगा, क्योंकि चांद का साउथ पोल नॉर्थ पोल है। यहाँ पानी के होने की संभावना है। यहीं पर शैडो एरिया भी दिखता है।